खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। खंडवा जिले के पंधाना के ग्राम सराय में हुई हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश। घटना का संक्षिप्त फरियादी लाल सिंह पिता बजरिया जाति बारेला उम्र 36 साल निवासी ग्राम सराय ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि बाबूलाल गोसाई ग्राम सराय के खेत में मेरा छोटा भाई आप सिंह बारेला निवासी खोदरी टांडा ग्राम सराय में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। मौके पहुंचे FSL अधिकारी डा बी ए मंडलोई वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने टीम गठित ग्रामीणों से पूछताछ एवं मामले का खुलासा किया। मृतक आप सिंह खोदरी टांडा ग्राम सराय का रहने वाला है। अनिल पंचोली की दुकान से खाना खाकर अपने घर ग्राम खोदरी टांडा जा रहा था आप सिंह। जब सराय गांव के बाहर अंकुश की कलाली के पास पहुंचा तो अंकुश ने पुरानी रंजिश की बात को लेकर आप सिंह को पकड़कर कलाली के पीछे खेत में ले जाकर लोहे की रॉड व लोहे के पाइप से आप सिंह के सिर व पैर में मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाई तथा दीपक पिता कैलाश, दिनेश उर्फ कालू पिता मोतीराम, दिनेश पिता मदन सिंह पंजाबी ने भी मिलकर आप सिंह के साथ मारपीट कर हत्या कर दी तथा उसके बाद दीपक व दिनेश ने आप सिंह की लाश को कंधे से घसीटकर बाबूलाल गोसाई के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया। ये है ना, 1 तारीख को ये आप सिंह पिता बजरिया जाति बारेला का, ये खोदरी टांडा का रहने वाला था और है ना इसकी हत्या हुई थी। जो प्रारंभिक दृष्टि में दिख रहा था कि इसको पाइप से और लोहे के रॉड से मारा था और हत्या हुई थी और छिपाने की नीयत से फेंक दिया गया था। इसे क्या वजह रही कि जो हत्या कर दी गई और इनके क्या पुराने रिकॉर्ड है इनके, यही थोड़ा सा स्पेसिफिक देखने के लिए, चूँकि इसकी पत्नी गाँव में जा चुकी थी, अकेला रहता था, वो स्पेसिफिक काम वाम करता नहीं था, इसलिए थोड़ा सा इसको ट्रेस करने में दिक्कत आई। लेकिन है ना DFC अपने थाना प्रभारी विप्लव दोनों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने है ना काफ़ी लोगों से पूछताछ की, जिसमें 4 लोग हैं जो कि इस हत्या को जिन्होंने अंजाम दिया था, उसमें अंकुश पिता अरुण चावले, दीपक पिता कैलाश, दिनेश उर्फ कालू और इसके एक मामा जी हैं आप अंकुश के, दिनेश पिता मदन सिंह, ये इन चारों ने मिलकर हत्या की थी। इनकी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर विवाद होते रहते थे, चूँकि ये मृतक जो था शराब पीने का आदि था, तो पहले भी इनके झगड़े हुए लेकिन स्पेसिफिक कोई रिपोर्ट वपोर्ट नहीं हुई। उस दिन पर तात्कालिक झगड़ा हुआ, थोड़ा गाली गुलज से शुरू हुआ और शराब पिए हुए थे, तो इन्होंने चारों ने उस दिन मौके में मार के उसको फेंक दिया।